गणेशोत्सव के बीच आज अभिहंगम योग सेंटर और राष्ट्रीय एकता मंच ने खारघर में वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया। संत नामदेव की स्मृति में आयोजित इस पर्यावरण सेवी कार्यक्रम में विधायक प्रशांत ठाकुर ने पेड़ लगाकर हरियाली को प्रोत्साहन दिया। बीजेपी विधायक ने कहा कि कोरोना ने हमें ऑक्सीजन का महत्व समझा दिया है, ऐसे में बहुमंजिली इमारतों वाले शहर खारघर में वृक्षारोपण की मुहिम चलाना महत्वपूर्ण है। उन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए जरूरी पहल करने का भी आह्वान किया। देखिए रिपोर्ट। धरती हरियाली और ऑक्सीजन से भरी रहे और जनजीवन स्वस्थ रहे, इसी मिशन को लेकर आज खारघर सेक्टर 35 के विसर्जन तालाब क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया। विहंगम योग सेंटर और राष्ट्रीय एकता मंच के सौजन्य से यहां संत नामदेव के स्मृति में वृक्षारोपण कार्यक्रम चला, जिसमें बीजेपी विधायक प्रशांत ठाकुर ने पेड़ लगाकर हरियाली बचाने में जुटे संस्था कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। यहां नगर सेवक हरेश केनी, बीजेपी के शहर अध्यक्ष ब्रजेश पटेल, वरिष्ठ समाज सेवक बाबू आर के सिंह समेत संस्था के तमाम पदाधिकारी और नागरिक मौजूद रहे। विधायक प्रशांत ठाकुर ने कहा कि बहुमंजिली इमारतों के शहर खारघर में पेड़ लगाना और हरियाली की चिंता करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने विहंगम योग संस्था और राष्ट्रीय एकता मंच के पदाधिकारियों की सराहना की, जो योग और वृक्षारोपण के जरिए नागरिकों के जीवन को स्वस्थ रखने का अभियान चला रहे हैं। विधायक प्रशांत ठाकुर ने रोपण किए गए पेड़ों को बचाने का आह्वान करते हुए कहा कि कोरोना ने हमें ऑक्सीजन का महत्व समझा दिया है, इसलिए यदि हमने वृक्षारोपण को उत्सव बना दिया तो आने वाली पीढ़ी को कोरोना जैसी आपदा में भी ऑक्सीजन मिलता रहेगा। दोनों संस्थाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक बहुत ही अच्छे अनूठे ऐसे इस उपक्रम का आयोजन आप अपने खारघर में किया है। आमतौर पर खारघर में अब इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखती है, तो इसके चलते यहाँ पर प्लांटेशन की कोई जगह हो, प्लांटेशन का कोई ड्राइव हो सकता है, इसकी शायद ही कोई कल्पना करेगा। आप सभी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आज एक इस अच्छे मुहूर्त पर आपने न सिर्फ प्लांटेशन ड्राइव का आयोजन किया, पर इनको किस तरीके से आगे जीवित रखा जाए, इस किस तरीके से इनकी देखभाल हो, इसकी भी व्यवस्था करते हुए आपने एक एक व्यक्ति को एक एक पौधा देने का काम किया है। हम सभी लोग आज सृष्टि से लेना जानते हैं, सृष्टि को देने के लिए हमारे पास समय नहीं है, और ऐसे में हमने कई बार अगले जनरेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें सिर्फ किताबों में छोड़ी है। ये ना हो जाए कि हम ऑक्सीजन भी उनको गैस सिलेंडर के रूप में दे दें। कोविड के समय में ऑक्सीजन के बिना हमारी ज़िंदगी कितनी अधूरी है, ये हमने बहुत नज़दीक से देखा है, उसके लिए बहुत कुछ खोया है। नहीं चाहते हम कि आने वाले समय में ऐसी कोई आपदा आए, नहीं चाहते हम कि आने वाले समय में कोई महामारी आए और हम उसके लिए तैयार ना रहे। सृष्टि को जीवित करने का आपका जो प्रयास है, इसमें अपना सहभाग यहाँ पर अर्जित करें। मैं इस अवसर पर उपस्थित सारे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने वक्त निकाला अपने जीवन का और इस कार्य को यहाँ पर अपना सहयोग देना उचित समझा। आने वाले समय में हमारी अगली जनरेशन को लेकर यहाँ पर हम आए, इसको उत्सव स्वरूप में मनाएं और उनको ये जो आनंद है, यही आनंद उनको भी प्राप्त करा के दे दे। अरे जी, आने वाले समय में जो पेड़ लगाए, ये पेड़ ऐसे के ऐसे रहे, इस पे सिडको कॉरपोरेशन कुछ और प्लानिंग ना कर दे, अपना प्लानिंग इसके साथ जोड़े, इसके लिए हमें आने वाले समय में प्रयास करना पड़ेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता इसमें अपना जो योगदान है दे के रहेंगे। वहीं बीजेपी के शहर अध्यक्ष ब्रजेश पटेल और अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि संस्थाओं ने 1,00,000 पेड़ लगाने का मिशन तय किया है, जिसकी शुरुआत आज खारघर परिसर से हुई है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। आज विहंगम योग संस्था, जो एक योग और सामाजिक क्षेत्र में यानी आध्यात्मिक क्षेत्र में जो काम करती है, ऐसी संस्था के माध्यम से संस्था ने संकल्प लिया है कि पूरे भारत देश में 1,00,000 का पेड़ लगाना है, 1,00,000 तक। उसमें से आज उनका प्रारंभ खारघर से किया गया है।
खारघर में पनवेल के कार्य सम्राट आमदार विधायक श्री प्रशांत ठाकुर जी के उपस्थिति में आज ये संस्था के माध्यम से और राष्ट्रीय सेवा संघ के माध्यम से वहाँ 100 पेड़ लगाने का आज से प्रारंभ हुआ है। उन्होंने भी एक सांकेतिक पेड़ लगा के सभी को एक संदेश दिया कि हमने कोरोना काल में देखा है कि ऑक्सीजन का महत्व क्या है, एक ऑक्सीजन के कारण व्यक्ति की क्या दुर्दशा होती है। आपके पास कितने भी पैसे हो मगर आप ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे तो क्या हो सकता है, वो हमने देखा है। इसलिए आज बहुत सारी संस्था आगे आ रही है कि हमारे जीवन में, हमारे शहर में अगर हम लोग पेड़ नहीं लगाएंगे तो ऑक्सीजन जो कमी है वो हम लोग पूर्णता नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं इस संस्था को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने एक अच्छा संकल्प किया है कि हम लोग हर जगह पे पेड़ लगा के ऑक्सीजन की मात्रा कैसे बढ़े, उसके लिए संस्था ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। वृक्षारोपण इसलिए किया जाता है कि ऑक्सीजन की जो अभी पटेल जी ने बोला कि कमी होती है, तो उस ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए, ऑक्सीजन अगर देश में है, बारिश होगी, अभी इस साल बारिश कम हुई तो लोग परेशान हैं, आज पेड़ पौधे कटते चले जा रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा करना, उनको बचाना हमारा उद्देश्य है, जिससे आपातकाल कोई न आवे। हम लोगों का और संस्था का उद्देश्य हुआ कि पेड़ लगाना और पेड़ को जीवित रखना। लगाना तो बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन उनको जीवित रखने के लिए हमारे जो लोग हैं उनको जगह जगह दिया जाता है कि आप 10 दिन 15 दिन पानी दे करके और फिर बढ़ाते रहिए। और मैं ये चाहूँगा कि सारे शासन प्रशासन जो है कि लोग तालाब को सुंदरीकरण में लें। ये प्रोग्राम का झाड़ लगा के उद्घाटन हो गया। वृक्षवल्ली अमा सोई रे वनचरे, ये संत नामदेव महाराज के जन्मदिन के अवसर पे विहंगम योग के पूरा देश भर में 1 लाख का वृक्षारोपण का प्रोग्राम चला। बहुत ही अच्छा उन्होंने प्रोग्राम लिया है, क्योंकि वृक्ष की ज़रूरत है। अभी पूरा सिटी में देख रहे, पूरे देश में जिधर जिधर सिटी है उधर कॉन्क्रीट जंगल ऑयल हो गए, तो उधर सब जगह जंगल के साथ कॉन्क्रीट, ये अपना वृक्ष का ही जंगल होना चाहिए और ज़रूरत है, क्योंकि आदमी तो जिंदा, वृक्ष है तो आदमी जिंदा रह सकता है, क्योंकि अन्न धान्य हो तो वृक्ष के ऊपर ही होता है। ये वृक्ष के वजह से अपन ये छाव में खड़े, इधर कोई वृक्ष नहीं था, राष्ट्रीय एकता संघ उनके सभी सहयोगी के माध्यम से इधर बहुत मेहनत करके उन्होंने ये तालाब के सामने वृक्ष लगाए है। बहुत से शाम, सुबह से शाम तक लोग इधर बैठते हैं वृक्ष के छाया में, तो वृक्ष का कितना महत्व है। व्यम योग से उनको ही मैं धन्यवाद देता हूँ, और बाबू साहब तो है, वो तो बहुत मेहनत करे, उनको ही धन्यवाद देता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।